अल्लाह आई यूट फैमिली कैसे हैं आप सब आई होप सब ठीक होंगे हैरस से होंगे तो फ़ैट बर्न के लिए सब कुछ ना कुछ करते हैं मॉर्निंग में अगर आपको फ़ैट नहीं भी है तब भी आप अगर कुछ इस तरह का मॉर्निंग में पी लें हाली पेट तो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा होता है बहुत से टॉक्सिक्स होते हैं जो आपकी बॉडी से एलिमिनेट हो जाते हैं तो उसके लिए ना मैं यहाँ पर गर्म पानी जो है ना गर्म पानी के यहाँ सौंफ को जो है ना पानी में बॉईल करके वन टेबल स्पू वन टी स्पून सौफ सॉरी सौंफ थी उसको मैंने पानी में बॉईल करके फिर उसमें शहद ऐड कर दिया अच्छा उसके बाद आ, मेरी कोशिश होती है ना कि जैसे ही मैं किचन में इंटर हूँ सुबह के टाइम तो मैं हांडी जो है ना दिन की रेडी करके शाम की भी बाहर निकल जाऊँ क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं ना जो हमने केले में करने होते हैं और निपटाने होते हैं यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही थी और जब भी चिकन आता है ना तो मैं थोड़ा सा बोनलेस निकाल के रख देती हूँ ये मेरी आदत है और फिर मैं उसको किसी भी सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ कभी कभार चिकन जो है ना सब्ज़ी में ऐड कर देती हूँ उसके बाद जो है ना ये एक टिप है जो मेरी अम्मी सास ने मुझे दी है मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ अगर आप रेड चिली पाउडर कम डालेंगे और कुटी हुई जो हरी मिर्ची होती है ना वह ज़्यादा डालेंगे तो एक तो टेस्ट मज़े का हो जाएगा और कम डालनी पड़ती हैं आपको सुरख मिर्ची जो कि सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है तो ग्रीन चिलीस इतनी नुकसानदेह नहीं होती तो आप इनको थोड़ा सा कूट के डाल लें एक तो टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त हो जाती है ना कि आप खुद फील करेंगे कि हांडी में एक अलग सा टेस्ट आया है ये टिप जो है ना अम्मी सास ने मुझे दी थी तो मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर दूँ और रही बात सौंफ के पानी की तो जब आपके बॉडी में फैट्स बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं तो जब आप इस तरह की कोई भी चीज़ मॉर्निंग रूटीन में ले रहे हैं तो काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलती है और आप जो है ना अपना वेट लूज़ भी करना स्टार्ट हो जाते हैं और आपकी स्किन भी ग्लो करना स्टार्ट हो जाती है क्योंकि हमारी बॉडी में इस तरह के ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिनको फ्लश आउट करना बहुत ज़रूरी होता है और वो हम इसी इन्हीं चीज़ों की मदद से कर सकते हैं अगर आप सिंपल पानी भी पी लेना खाली पेट नीम गर्म पानी और वो भी आपकी इतनी हेल्प करता है ना आप दो तीन दिन तक खुद जो है ना रिज़ल्ट आपके सामने आ जाता है तो बात कर रही थी यहाँ पे और बात है कि खुद को जो है ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दें कभी कभी हम कामों में इतना खुद को भूल जाते हैं ना कि अपनी पर्सनैलिटी क्या है खुद हम क्या है ना ये बिल्कुल ही हम भूल जाते हैं अच्छा जी यहाँ पे टाइम आ गया था आटा गूँधने का तो आटा गूँधना भी मैं आपको सिखाती हूँ कि बिल्कुल मशक्क़त के बगैर अगर आप मशक्क़त कर रहे भी हैं ना आटा गूँधने में तो आपकी शोल्डर एक्सरसाइज हो जाएगी और जो बहुत ही अच्छी होती है आपके शोल्डर्स के लिए ये बेस्ट एक्सरसाइज है जो आप शोल्डर्स को दे रहे होते हैं पर अगर आपके पट्टू का कोई मसला है या आप आटा गूंद नहीं सकते सही तरह से तो मैं आपको एक टिप देती हूँ आटा सारा इकट्ठा करने के बाद एक दफ़ा उसको जो है ना गूँधें और फिर थोड़ा सा ऑयल घी कुछ भी उसको लगा के फिर उसको छोड़ दें जितना टाइम आपके पास है ना उसको छोड़ें तकरीबन दस मिनट है तो दस मिनट के लिए छोड़ दें आधा घंटा है तो आधा घंटे के लिए छोड़ दें पर कवर करके इसको छोड़ दें यहाँ पे तकरीबन पंद्रह मिनट हो चुके हैं तो देखें आटा खुद बहुत सॉफ़्ट हो गया था इसमें जितने भी आ, आ, ची वो था सब कुछ जो है ना मिक्स हो गया और आटा जो है ना बिल्कुल सॉफ्ट सा हो गया तो अब इसको हम दो से तीन दफ़ा देंगे और बिल्कुल सॉफ्ट सा डो हमारी रेडी हो जाएगी अगर आटा अच्छा गूँधा हुआ होगा ना तो रोटी परफेक्ट बनेगी जब आप मैं रोटी बनाऊँगी इसी आटे की तो आप देखना इतनी मज़े की रोटी बनती है तो आटा जो मैं अच्छा हासा गूंद लेती हूँ कि बार बार मुझे आटे की थाली ना निकालनी पड़े बार बार मुझे इसको छानना ना पड़े फिर से ये टॉवल बिछाना और फिर से आटा गूंदना फिर से थाली को वॉश करना ये सारी चीज़ें जो है ना बार बार ना करनी पड़े इसलिए मैं आटा ज़्यादा गूंद लेती हूँ अच्छा अब यहाँ पे सवाल आएगा कि आटा ज़्यादा गूंदने पे ये तो ख़राब हो जाएगा आटा गूंदते साथ ही आप इसको फ्रीज़र में रख दें जब ये अच्छा खासा ठंडा हो जाएगा तो हमें टाइमिंग तो पता है अपनी कि इस टाइम पे हमने खाना तैयार करना है ज़ाहिर है हमने करना है तो फिर जब आप खाना बनाने शुरू करें तो उससे पाँच या दस मिनट पहले जो है ना आटा निकाल के रख दें उसके बाद बात आती है यहाँ पे कि हमारे हाथ बर्तन के इतने वो हो जाते हैं रफ़ और इतने अजीब से हो जाते हैं ना ज़ाहिर हमारा काम सारा दिन होता है पानी में और पानी में ज़ाहिर हमने काम करना ही करना होता है बेशक जो मर्जी हमारा हाथ कटा तब भी हमने करना है तो सबसे पहले ये मैंने बना के रख दिया चीनी को अच्छे से क्रश करके मैंने उसमें ऑलिव ऑयल डाला पहले तो मैं इसमें डालने लगी थी कॉफ़ी पर मेरी कॉफ़ी जो है ना वो एक्सपायर्ड हो चुकी थी अगर आपके पास है तो लाजमी इसको डालें उसके बाद बर्तन धोने से पहले एक टॉवल लाजमी रखें ताकि आपके कपड़े जो है ना सेफ़ रहें कपड़ों को सेफ़ रखना और बर्तन धोना ये दो चीज़ें जो ऐसी हैं ना कि बहुत एहतियात से करनी पड़ती हैं तो यहाँ पे अगर आप बर्तन धो रहे हैं ना एक किस्म का आप पेडी कर रहे होते हैं जाहिर है जब हम मैनी क्योर पेडी कर रहे होते हैं ना सॉरी मैनी क्योर कर रहे होते हैं जब मैनी्योर पेडी क्योर कर रहे होते हैं ना तो उसमें हम सबसे पहले अपने हाथ डिप कर रखते हैं तो किचन में तो हमारे हाथ हमेशा पानी में डिप रहते हैं और अगर हम यहाँ पे एक्सफोलिएशन करें ना अपने हैंड्स तो सबसे बेस्ट जो एक्सफोलिएशन होती है ना विदाउट एनी कॉस्ट यहाँ पे होती है आपके कि किचन में जब आप स्टिल अपने हैंड्स को डिप करके रखते हैं पानी के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं पानी का सबसे ज़्यादा और अगर आपके पास इतना लो कॉस्ट एक किस्म का फ्री स्क्रब है ना तो आपके हैंड्स इनशाला इन शाह अच्छे रहेंगे मॉइस्चराइज रहेंगे और नीट क्लीन रहेंगे तो ये मेरी एक टिप थी जो मैं यूज़ करती हूँ मैंने कहा आप लोग के साथ भी शेयर कर दूँ और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें वीडियो को भी लाइक कर दें ताकि अच्छे से अच्छे व्लॉग्स जो है ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं अच्छा जी स्क्रबिंग करने के बाद जो है ना हल्का सा मैंने यहाँ पे मैक्स ले लिया उसके साथ जो ऑयल ऑयल टाइप सब कुछ लगा हुआ है ना ज़ाहिर ऑयली ऑयल लगा हुआ है तो उसको मैंने रिमूव कर लिया अब साथ ही किचन टॉवल को भी साफ़ करके जो है ना मैं रख दूँगी हांडी बनाते टाइम ख्याल रखें कि आपके यूटेंसिल जो है ना वो क्लीन रहे क्लियर रहे और आपका सिंक जो है ना वो जो है ना बिल्कुल साफ सुथरा रहे एक तो आपका काम खुद ही जल्दी निपटेगा और दूसरा आप जल्दी से किचन से बाहर भी निकल जाएंगे तो सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है बहुत ज़रूरी है और कभी कभी हमें लग रहा होता है ना कि हम सेल्फिश हैं जो अपनी केयर कर रहे हैं अपने लिए कुछ खर्च कर रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जहाँ हम जो है ना सबके लिए हया रख रहे होते हैं ना वहाँ ऐसा ए हाउस वाइफ हमें जो है ना छोटे बच्चे से ले कर बड़े बुजुर्ग तक हमें पता होता है कि किसने क्या खाना है किसने क्या नहीं खाना पर जो बड़े होते हैं ना वो हमें घर पे छोड़ के जाते हैं कि इनके ऊपर है घर सब और ये हर चीज़ मैनेज कर लेंगी तो उसमें हम खुद भी मैनेज हमें खुद को भी मैनेज करना है किसी ने हमें मैनेज नहीं करना और अपने लिए ना कोई प्यारे प्यारे से सूट्स ले लिया करें अपने लिए कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स भी ले लिया करें इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि जब हम सब का हया रख रहे होते हैं ना तो थोड़ा सा शीशे के आगे खड़ा होकर खुद को तैयार करके एक दफ़ा खुद को लाजमी कहना चाहिए कि फ़ाभी अये आला रब्बी को मा तो क्ज़े क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बनाया है इस तरह से बनाया कि अल्लाह ताला ने अपनी हर बनाई हुई चीज़ को खूबसूरत बनाया है और अलहमद से हम खूबसूरत हैं हम इस चीज़ का बिल्कुल भी ना वेट करें कि कोई हमें कहेगा कोई किसी की सुनने की भी ज़रूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह से हम हैं बस हमने ना अपने आप को घर के कामों में इतना बिखेर दिया ना कि बस बस हम कहते हैं ना कि घर के काम होते रहें सब खुश रहें हमारी है रहें। तो ये बहुत बुरी बात है अपने आप को अपने आप का ख्याल रखें अपने आप को फिट रखें एक्टिव रखें और हमेशा खूबसूरत लगें अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए अपने घर वालों के लिए अच्छा यहाँ पे बहुत सी बातें मैंने कर ली और बताना भूल गई कि बच्चों के आने से पहले पहले ये लाजमी मैं करती हूँ उनके कपड़े रेडी कर देती हूँ और मैं अपने बेटे के अलग से कपड़े रखती हूँ और वो उसको अलग से वॉशरूम दिया हुआ है जैसे आता है उस वाशरूम में जा कर हाथ मुँह धो के कपड़े चेंज करके स्लीपर्स पहन के बाहर आ जाता है बेटी को अलग से दिया हुआ है और मेरे बेटे को छोटे बेटे को हैंगर्स के साथ खेलने की आदत है जो बेड के ऊपर बैठ के वो उनके साथ खेलता रहता है तो बच्चों के आने से पहले पहले मैं टेबल भी लगा देती हूँ ताकि जल्दी से काम ख़त्म करके नमाज़ वहर अदा करके मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करूँ तो बस यही थी मेरी आज की रूटीन वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दें शेयर कर दें और बेलाइकन को भी दबा दें ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आए अल्लाह हाफिज़